गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस हियर क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 1st. नाउ इन दिस वीडियो वी एक्सप्लेन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इक्वेशन ऑफ मोशंस. अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स. फाइंड नंबर 1st द स्पीड एक्वायर्ड, नंबर 2nd द डिस्टेंस ट्रेवल्स. मीन्स है एक बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से चलना प्रारंभ करती है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ, जिसका एक्सीलरेशन है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स. ठीक है, टाइम है गिवन 2 मिनट्स. फाइंड करना है स्पीड एक्वायर, स्पीड फाइंड करनी है. नंबर 2nd द डिस्टेंस ट्रेवल, कि कितने डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको फाइंड करना है. ओके, फर्स्टली गिवन एक्सीलरेशन गिवन है a इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड नेक्स्ट गिवन है टाइम t इज इक्वल टू 2 मिनट. ओके, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 × 60, सो 120 सेकंड. एंड फाइंड करना है स्पीड, मींस है वेलोसिटी फाइंड करनी है. b इज इक्वल टू u प्लस 80, बी इज इक्वल टू यू प्लस 80. ठीक है, रेस्ट में इसलिए u इज इक्वल टू 0, सो b इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ u 0 प्लस वैल्यू ऑफ a 0.1 इंटू वैल्यू ऑफ t 120. ओके, सो b इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो इस प्रकार से हमारी स्पीड या वेलोसिटी कितनी फाइंड हो गई है, 12 मीटर पर सेकंड. नाउ सेकंड पार्ट द डिस्टेंस ट्रेवल, मींस है कि हाउ मैनी डिस्टेंस ट्रेवल, कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है. ओके, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, सो वैल्यू ऑफ u 0 एंड t वैल्यू 120 प्लस हाफ वैल्यू ऑफ a 0.1 एंड वैल्यू ऑफ t 120 स्क्वायर. ओके, सो हियर 0, 120 मल्टीप्लाई 0 0 एंड 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई 0.1 पॉइंट, जैसे ही इसको रिमूव करेंगे 10 आ जाएगा इंटू 120 मल्टीप्लाई 120, 0 से 0 कैंसिल, 2 6 12. ओके, तो 6 मल्टीप्लाई 120 हेयर, 12 6 72. इस प्रकार से s इक्वल टू 720 मीटर. ओके, सो इस प्रकार से डिस्टेंस ट्रेवल कर लिए 720 मीटर एंड वेलोसिटी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड. ओके, नाउ स्टार्ट सेकेंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. अ रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक रेसिंग कार है जो कि इस टाइप की हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में कराई थी. एक रेसिंग कार है जिसकी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है कितना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीन्स है एक्सीलरेशन गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड. ओके, पूछा है यहाँ पर कि 10 सेकेंड में कितने डिस्टेंस कवर कर ले. ठीक है, 10 सेकेंड. ओके, यहाँ पर पूछा गया है आफ्टर स्टार्ट होने के बाद कि कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा. तो मींस क्या है कि अगर जब स्टार्टिंग में होगा तो स्टार्टिंग में यू कितना होगा, 0 मीटर पर सेकेंड. फाइंड करना है हमें बट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फाइंड करनी है एस फाइंड करनी है, बट हमारे पास वी नहीं है. फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम करेंगे तो उसमें वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, ठीक है, तो वहाँ से वी फाइंड करना पड़ेगा. और अगर हम थर्ड इक्वेशन का यूज़ करें तो वहाँ पर भी वी चाहिए, तो इसलिए एस इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सो वैल्यू ऑफ यू 0 एंड वैल्यू ऑफ टी 10 प्लस हाफ वैल्यू ऑफ ए 4 एंड वैल्यू ऑफ टी 10 स्क्वायर
So 0 plus 1 over 2 to 2 ja 4. Here 2 multiply 10 square 10 into 10. So 2 into 10 10 ja 100. 2 into 100 200 meter. Okay. So value of s is 200 meter. ओके तो एक कार है जो कि रेसिंग कार है और एसिलेशन था 4 m/s², बट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड. 10 सेकेंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है. तो स्टार्टिंग में जो रेस में था पार्टिकल वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ठीक है, और ए गिवन था 4 m/s² से और टी गिवन था 10 सेकेंड, ठीक है. हमें एस फाइंड करना, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, उससे फाइंड कर लेंगे. तो ऐसा आ जाएगा आपका कितना 200 मीटर. ओके एंड नेक्स्ट आ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. एक मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एसिलेट इन स्ट्रेट लाइन एट अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 3 m/s² फॉर 8 सेकेंड. हाउ फॉर डज द बोट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम. मीन्स है एक मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से चलना प्रारंभ करती है ऑन ए लेक एसिलेट इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में एट ए कॉन्स्टेंट रेट, एक कॉन्स्टेंट रेट से वो चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, और स्टार्टिंग में क्या थी, रेस्ट में थी, और 3 m/s² के एसिलेट मतलब एसिलेट होती है 3 m/s² से, और 8 सेकेंड बाद क्या होती है, वो एसिलेट होती है. हाउ फर डज द बोट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम. इस टाइम में जो बोट है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है. तो मीन्स है एसिलेशन के बिना, सो ए इज इक्वल टू 3 m/s² एंड हेयर गिवन टाइम टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड एंड हेयर ए वैल्यू 3 m/s² एंड टी वैल्यू 8 सेकेंड फाइंड करना है एस, ठीक है, एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. सो बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ओके एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सो अब स्टार्टिंग में रेस्ट में है, सो यू इज इक्वल टू 0 m/s. ओके सो वैल्यू ऑफ यू 0 एंड मल्टीप्लाई टी 8 प्लस हाफ वैल्यू ऑफ ए 3 एंड वैल्यू ऑफ टी 8 स्क्वायर. सो 0 × 8 = 0, हाफ इंटू 3 मल्टीप्लाई 8² = 64. 2 से कट करेंगे 3 × 2 = 6 × 2 = 4. तो यार 3 × 32 3 × 2 = 6 3 × 3 = 9. सो वैल्यू ऑफ एस 96 मीटर. ओके सो वैल्यू ऑफ एस इज 96 मीटर. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड. अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर. एक बॉल है जो कि जेंटली ड्रॉप्ड गिराई जाती है हाइट ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर की हाइट से गिराई जाती है. इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 m/s², ठीक है, जो एसिलेट हो रही है और 10 m/s² से, विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड. जब ये ग्राउंड पर गिरती है तो उस समय पे इसकी स्पीड क्या थी, मतलब वेलोसिटी क्या थी. आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, उस मतलब किस टाइम पर या टाइम क्या था उस समय पे जिस समय ग्राउंड पे टकराती है, ठीक है, टकराने के बाद उसका टाइम क्या था. तो ओवरऑल इसमें गिविन है क्वेश्चन में कि हाइट गिविन है, मीन्स एस गिविन है 20 मीटर एंड इफ द वेलोसिटी इंक्रीज एट द रेट ऑफ, तो मीन्स है यहाँ पर गिविन है आपका एसिलेशन कितना 10 m/s², विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, ठीक है, किस समय पे आकर ये टकराती है. मीन्स स्टार्टिंग में तो यू कितना होगा 0, क्योंकि स्टार्टिंग में तो पार्टिकल क्या होगा, रेस्ट में होगा, बॉल जो थी वो रेस्ट में थी, ठीक है, एंड फाइंड करना है बी. बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. सो बी इज इक्वल टू
यू प्लस ए टी, ओके इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, हमारे पास टाइम भी गिवन नहीं है, ठीक है, टाइम भी गिवन नहीं है। सो वैल्यू ऑफ यू ज़ीरो एंड ए वैल्यू है, बट यहाँ पे हमारे पास टाइम वैल्यू, टाइम की वैल्यू भी गिवन नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन से। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। सो वैल्यू ऑफ एस 20, यू वैल्यू 0 एंड वैल्यू ऑफ टी हेयर टी, ठीक है, प्लस 1/2 वैल्यू ऑफ ए 10 एंड वैल्यू ऑफ टी हेयर टी स्क्वायर, ओके। तो मीन्स है 2 5 10, 2 5 10, 20 इज इक्वल टू ये तो 0 हो गया और 5t स्क्वायर, ओके। हेयर 20 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, 5 4 20, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू, टाइम तो माइनस में होता ही नहीं है इसलिए टी इज इक्वल टू 2, ठीक है, 2 सेकेंड, ओके, वैल्यू ऑफ टी इज 2 सेकेंड। अब पूछा गया है वेलोसिटी फाइंड करना है, तो जो हमने स्टार्टिंग में हमने इक्वेशन को सॉल्व किया था उस इक्वेशन से ही, फर्स्ट इक्वेशन से, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सो वैल्यू ऑफ यू 0 एंड वैल्यू ऑफ ए 10 एंड वैल्यू ऑफ टी 2, ओके। तो वी इज इक्वल टू 10 to the 20, 20 मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार से वैल्यू ऑफ बी 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमने फर्स्टली क्या फाइंड कर लिया, उसका टाइम्स फाइंड कर लिया, ठीक है, बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड आफ्टर हमने फाइंड किया वेलोसिटी, बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बाय द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सो वैल्यू ऑफ यू 0 एंड वैल्यू ऑफ ए 10 एंड वैल्यू ऑफ टी 2, ठीक है। इस प्रकार से बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड, ओके, थैंक यू।